रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर एंटी पोचिंग अमरावती। आज मुजफ्फर हुसैन साहब माजी आमदार मुंबई, इनके फार्म हाउस पे आने का मौका मिला और खास तौर से आना इसीलिए था कि मैंने काफी तारीफ सुना था। साहब एक अच्छे फार्मर्स है, एक अच्छी फार्मिंग करते हैं और वो मुझे लाइव देखना था और साहब का भी आग्रह था कि आप आके एक बार हमारे यहाँ बांबू के लिए हम किस तरह से बांबू के कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज मुझे यहाँ देखने को मिली है कि जीरो बजट वाला जो है या फिर नेचुरल फार्मिंग जिसको बोलना चाहिए वो सब यहाँ देखने को मिला है। वही पेस्टिसाइड कोई फर्टिलाइजर यहाँ पर यूज नहीं होता है, यहाँ सिर्फ जो होता है जीवन अमृत और इनके जो ऑर्गेनिक खेती के जितने भी ये है सिस्टम है उसी सिस्टम पर पूरा होता है। आज मैंने देखा हूँ कि इतने हेल्दी प्लांट हमारे यहाँ पर जो है वो और कहीं देखने को नहीं मिले, जितने हेल्दी प्लांट अभी मैं देख रहा हूँ। मेरे पीछे बांबू है, ये बांबू बहुत अच्छा बांबू है, मुझे ताजुब हुआ। मैं सोचता था कि ये बांबू सिर्फ मेरे पास ही है, ये बांबू इनके पास देख रहा हूँ, पता नहीं इनको सुल्डा के नाम पर ये मिला है, लेकिन ये बांबू साहब के लिए कनाकाइस नाम का बांबू है और ये बांबू बहुत अच्छा बांबू है। और साहब के यहाँ जब देखने के बाद में तो देखकर तबीयत खुश हो गई कि हमको अगरतला का सिंह यहाँ देखने को मिल गया। तो ये बहुत अच्छे बांबू है और साहब ने जो मेहनत की है यहाँ पर, इनकी जो टीम है वो टीम और इनका वर्क ये सराहनीय है और सराहनीय होने की वजह से आज साहब ने जो बताया संतरा है, मौसमी है, गन्ना है, हर किस्म की फार्मिंग कर रहे हैं। किसी चीज का नहीं कि हमारे ये सॉइल के अंदर ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, यहाँ मैंगो की हो रही है, नींबू की हो रही है और फिर धान की खेती हो रही है, तो सारी चीजों को बांबू को लगे हैं। वेल ग्रो हुआ है बांबू, एक साल के अंदर के बांबू की ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ है। ये सारी चीजों को देखते हुए लग रहा है कि ये मैसेज हमारा सब फार्मर्स तक जाए और फार्मर्स इस तरह से फार्मिंग करे तो उससे हमारी लैंड भी फर्टाइल होगी और जो हमारा क्लाइमेट है वो भी अच्छा रहेगा, वो हेल्दी क्लाइमेट रहेगा। आज प्लांट की तरफ हम देखते हैं तो हमको सारे प्लांट हेल्दी लग रहे हैं। तो ये मेन रीजन यही है कि हमने एडिशनल इनको जो दिया है कुछ साहब ने दिए नहीं है और उसके बाद में भी इतने हेल्दी प्लांट है, तो इसका मेन यही है कि आज हमने हमारी सॉइल को हमने हमारे हाथों से खराब किए, हमने पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके हमारी खेती खराब की है, हमने सॉइल खराब की है और आज वो सबके हेल्थ को खराब कर रहा है। ये एक अच्छा मैसेज यहाँ से जाता है कि इस तरह से अगर हम खेती करें तो फ्यूचर में ये सभी के लिए फायदे की होगी। और यही इसी के साथ में साहब से मैं ये कहूँ कि मैं बांबू को कम प्रमोट करता हूँ, आप अच्छी खेती करें, एक अच्छे फार्मर्स हो, बांबू कम लगाइए, लेकिन साहब का है कि मेरे फार्म पे हर चीज़ होना चाहिए। तो आज बहुत खुश हुआ मैं सारा देख के, यही मैं दो साल पहले अगर आता, साहब दो साल से कॉन्टेक्ट में है, दो साल पहले आता तो पता नहीं मैं बहुत कुछ सीख गया होता, बहुत कुछ देख के यहाँ गया होता, चार लोगों को बताया होता। तो ये सारी बातें एक फार्मर्स तक पहुंचे, हमारे ग्रुप तक पहुंचे और यही मैसेज मैं सबको दूंगा कि साहब ने जिस तरह से, क्योंकि साहब तो एक बड़ी पोस्ट के ऊपर है, एक एमएलए है और उसके बाद में वो उतना होकर रहने हैं, उनका मुंबई जैसी सिटी में है, लेकिन यहाँ के विलेज में आके वो फार्मिंग करना ये एक बहुत बड़ा मैसेज जाता है इसके साथ में और इतने इंटरेस्ट के साथ में फार्मिंग करना सबका काम नहीं है, लेकिन मैसेज अगर मिल जाए देखकर कोई सीख सकता है। तो मैं सभी लोगों को बोलूंगा एक बार जरूर विजिट करें, साहब से जरूर मिलिए और इस तरह की फार्मिंग हमारी होना चाहिए। ओके, थैंक्स, शुक्रिया।